लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां लिफ्ट में 20 मिनट तक फंसी बच्ची मदद की गुहार लगाती रही। फिर क्या हुआ आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। देश भर से लगातार लिफ्ट में हादसे के मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके लिफ्ट में हो रहे ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए कोई भी ठोस कदम उठते नहीं दिख रहे। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रूह कपा देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां 8 साल की छोटी बच्ची करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। बच्ची अकेले ही लिफ्ट में थी और अचानक लिफ्ट बंद हो गई। बच्ची इतना ज्यादा डर गई कि वो लगातार चीख चीख कर मदद की गुहार लगाती रही। बच्ची के लिफ्ट में फंसने और मदद के लिए गुहार लगाने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला लखनऊ के जिनेश्वर एनक्लेव अपार्टमेंट की लिफ्ट का है, जहां बुधवार को ध्वनि अवस्थी नाम की बच्ची बिजली चले जाने की वजह से 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। बच्ची रोज की तरह स्कूल से अपने घर जा रही थी, लेकिन लिफ्ट में चढ़ने के कुछ सेकंड के बाद ही लिफ्ट बंद हो गई। नन्ही बच्ची का ये वीडियो आपका दिल कचोड़ देगा। जहां बच्ची कभी गेट खोलने की कोशिश करती है तो कभी हाथ जोड़कर भगवान से बचा लेने की गुहार लगाती दिख रही है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे लिफ्ट में लगे कैमरे की तरफ देखकर बच्ची बार बार मदद की गुहार लगा रही है। बच्ची वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, कभी वो लिफ्ट के गेट पर किक मारती है तो कभी हाथ जोड़कर बाहर निकालने की मदद करती हुई नजर आती है। वैसे तो बिजली चले जाने या फिर दूसरी प्रॉब्लम की वजह से लिफ्ट नजदीकी फ्लोर पर खुल जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और बच्ची 20 मिनट तक ही फंसी रही। वहीं अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने बताया कि लिफ्ट का सही से मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। मेंटेनेंस टीम की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि गरिमत रही कि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ये हादसे लोगों के लिए भी एक सबक है कि अगर बच्चे अकेले लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि अगर आगे से इस तरह के हादसे हों या इस तरह से मामले सामने आए तो वो डरे नहीं बल्कि सूझबूझ से काम लें। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।